कामना की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता रामकिशन ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। कामना के पिता का छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी का काम था। जो थोड़ा बहुत अनाज उग जाता वो बेच कर गुजारा हो जाता। कामना ने 10वीं तक की पढ़ाई की थी। रामकिशन की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए कामना ने आगे की पढ़ाई नहीं की और अपने पिता के साथ ही खेती बाड़ी के काम में मदद करने लगी। कामना के लिए रामकिशन के दोस्त ने एक रिश्ता बताया और लड़के वाले कामना को देखने आ गए। रामकिशन जी, हमें आपकी बिटिया कामना बहुत पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। उसके बाद कामना की शादी शहर में रहने वाले सूरज के साथ हो जाती है। सूरज एक बेकरी में नौकरी करता था और सुबह जल्दी ही काम पर निकल जाता था और देर रात घर लौटता था। कामना, तुम भी सोचती होगी शादी करके शहर ले आया और तुम्हें कहीं घुमाने भी नहीं ले गया। एक काम करते हैं, कल मैं मालिक को बोलकर जल्दी घर आ जाऊंगा। अच्छा हुआ बेटा तूने इस बारे में सोचा, कम से कम बहू को बाहर जाने को तो मिल जाएगा, नहीं तो जब से आई है घर के कामों में ही लगी रहती है। कामना पिक्चर देखने जाने के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि वो गांव में रहती थी तो उसका पिक्चर देखने जाना नहीं हो पाता था। अगले दिन शाम को उसकी सूरज से फोन पर बात हुई तो वो बेकरी से निकल ही रहा था। कामना बहुत बेसब्री से सूरज का इंतजार कर रही थी। सूरज ऑटो रिक्शा पकड़ने के लिए सड़क पार कर रहा था, पर अचानक एक गाड़ी से उसको ठोकर लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। कामना अपनी सास के साथ अस्पताल पहुंचती है। सूरज के सीधे पैर की हड्डी टूट जाती है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अब सूरज बिस्तर पर था। पता नहीं अब घर कैसे चलेगा, मेरा बच्चा। इतना बड़ा दुख तेरे ऊपर ही आना था। माँ जी आप चिंता मत करो, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। पता नहीं कौन सी घड़ी में तुम्हें बहू बना कर लाए थे, आते ही मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। कामना अपनी सास की बातों को सुनकर रो पड़ती है और रसोई में चली जाती है। सूरज अपनी माँ को समझाता है, पर कामना की सास उससे नफरत कर रही थी। सूरज काम पर नहीं जा रहा था, इसी वजह से घर में जुड़े पैसे भी खत्म हो रहे थे। एक दिन कामना थोड़ा जल्दी उठ गई और मंदिर जाने लगी। रास्ते में उसने देखा साइकिल पर बहुत सारे अखबार वाले अखबार बांटने के लिए निकल रहे थे। तभी एक बुजुर्ग अखबार बांटने वाला साइकिल से गिर गया। बाबा आप कैसे अचानक साइकिल से गिर गए और इस उम्र में इतना काम क्यों कर रहे हो बाबा? क्या करूं बेटी, घर पर अगर खाली बैठता हूं तो बेटा बहू की आंखों में चुभता हूं, इसलिए अखबार बेचकर थोड़े पैसे कमा लेता हूं तो अपने रहने का खर्चा तो उन्हें दे देता हूं। पर अभी तो मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं अखबार बांटने कैसे जाऊंगा? अगर अखबार नहीं बांटे तो मेरे पैसे कट जाएंगे। बाबा मुझे साइकिल चलानी आती है, आप चिंता मत करो, आप साइकिल पर मेरे पीछे बैठ जाओ, आप मुझे पता बताते जाना, मैं आपके अखबार बांट दूंगी। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। और फिर कामना उस बूढ़े व्यक्ति को साइकिल पर पीछे बिठा कर घरों में अखबार बांटने लगती है। कुछ ही देर में कामना सारे अखबार बांट देती है। बूढ़े व्यक्ति को जब पता चलता है कि कामना बहुत मजबूरी में है और उसके घर का गुजारा भी नहीं हो रहा है, तो वो कामना को रोजाना सुबह अखबार बांटने की सलाह देता है, जिसे सुनकर कामना बहुत खुश होती है और वो घर जाकर ये बात सूरज को बताती है। ये लो कर लो बात, अब बहू सुबह सुबह अखबार बांटेगी, अब यही देखना रह गया है। माँ जी सूरज मेरे पति हैं और इनके दुख में हाथ बटाना मेरा कर्तव्य है, अगर मैं सुबह सुबह अखबार बांटने चली जाऊंगी तो चार पैसे घर में आएंगे। आपको पता है अभी हमारे घर की क्या हालत है और सूरज को ठीक होने में अभी समय लगेगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि सूरज जितनी जल्दी सही हो जाए उतना मेरे लिए अच्छा है, पर अभी मुझे मजबूरी में अखबार बांटने का काम करना होगा। जिस दिन सूरज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे उस दिन मैं ये काम छोड़ दूंगी। कामना मुझे तुम पर गर्व है। माँ देखो ना, कामना को अभी आए कुछ ही महीने हुए हैं पर उसके ऊपर भी तो कितना बड़ा दुख आया है, फिर भी ये हिम्मत नहीं हार रही है। मैं चाहता हूँ हम इसे काम करने के लिए मना नहीं करें। कामना मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं जानता हूँ इस घर की जरूरत के लिए तुम ये मेहनत का काम कर रही हो। सूरज की बात को सुनकर कामना बहुत खुश होती है। कामना किराए पर साइकिल ले लेती है, वो अब रोजाना घरों में अखबार बांटने का काम करने लगी। धीरे धीरे कामना के घर की स्थिति में सुधार हो गया। कुछ महीनों तक कामना ने अखबार बांटने का काम किया और उसने पैसे भी जोड़े। सूरज ने ठीक होने के बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया और अब उसने कामना की मेहनत को देखते हुए उसे एक किराए पर दुकान दिलवा दी, जहाँ पर कामना रोजाना के अखबार और किताबें बेचा करती थी। सूरज और कामना दोनों मिलकर मेहनत करने लगे। कामना की सास को भी समझ आ गया था कि जमाना अब बदल चुका है, पति पत्नी दोनों मिलकर साथ में काम करके भी खुशी खुशी घर को चला सकते हैं। लो एक और पेड़ लगा लिया। अरे अनुराधा बहू कुछ तो सोचा करो, पूरे घर का बगीचा बना रखा है,
ना जाने कितने रुपए इन पेड़ पौधों को लगाने में तो उजाड़ देती हो। पता है रमेश का काम सही नहीं चल रहा, वो जो भी पैसे तुम्हें सब्जी तरकारी खरीदने के लिए देकर जाता है तो उसके नए पेड़ लगा लेती हो, जैसे इन पेड़ों पर से पैसे उगाएंगे। माँ जी, इन पेड़ों को लगाने के लिए मैंने राशन और सब्जी के पैसों में से एक रुपया भी नहीं लिया। ये पैसे तो मेरे पास जुड़े हुए थे। मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है। मुझे ऐसा लगता है पेड़ हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। मुझे पेड़ पौधे लगाकर इनकी देखभाल करने से बहुत सुकून मिलता है। तुम मेरी बात को सुनोगी नहीं, सोचती हो? बूढ़ी सास अपने आप ही बोल बोल कर थक जाएगी, चुप हो जाएगी। तुम्हें समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। तुम्हें जितना मर्जी समझा लूं पर तुम्हारे कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। मुझे क्या, उजाड़ो पैसा, वैसे ही कौन सा इस घर में दो वक्त सुकून की रोटी मिलती है। क्या हुआ अनुराधा, माँ इतना गुस्से में क्यों है? अच्छा, तुमने नया पेड़ खरीदा है इसलिए गुस्सा हो गई होगी, पर तुम माँ की बात का बुरा मत मानो। वो मेरा काम ठीक नहीं चल रहा ना, तो इसी कारण वो गुस्से में रहती हैं। अरे भाई रमेश, क्या हालचाल है? सोचा तुम तो बहुत दिनों से दुकान पर आए नहीं है, मैं ही तुम्हें मिलाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है दीनदयाल जी, वो मेरी इस महीने की तनख्वाह थोड़ी लेट हो गई, नहीं तो आपका किराया मैं इतनी लेट नहीं देता। देखो रमेश, तुम्हें यहाँ रहते 2 साल हो गए हैं, अब 500 रुपए किराया और बढ़ा रहा हूँ, यानी कि अब तुम्हारा मकान का किराया बढ़कर 9,500 रुपए कर दिया है। अब मुझे दोबारा ना आना पड़े, चुपचाप अपना किराया दुकान पर पकड़ा जाना, ठीक है? और ये क्या, तुमने तो पूरे घर में पेड़ ही पेड़ लगा रखे। इन फालतू की चीजों पर खर्च करने के लिए तुम लोगों के पास पैसे हैं, पर हमारा किराया देने के लिए नहीं है। देखा, ताना मार के मकान मालिक सुना ही गया। वो भी सोचता होगा पेड़ पौधों में इतना पैसा लगाने के लिए है और किराया देने के लिए है नहीं। बहू, अब तो थोड़ी सुधर जाओ। माँ, इसमें अनुराधा की क्या गलती है? पेड़ पौधे लगाने से मेरी नौकरी का क्या मतलब? बाकी मैं देखता हूँ, मेरी सैलरी आज शायद मिल जाए, मैं जा रहा हूँ दुकान पर। अनुराधा का मन उदास हो जाता है। वो पेड़ों से बहुत प्यार करती थी और उनकी बहुत देखभाल करती थी, लेकिन उसकी सास को पेड़ पौधों से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। कपड़े की जिस दुकान पर रमेश काम करता था वहां उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, इसलिए अनुराधा को भी घर खर्चे में हाथ खींचकर चलना पड़ता था। एक सुबह अनुराधा अपने पेड़ पौधों को पानी और खाद डाल रही थी। सुनो भाई पेड़, अनुराधा हमारा कितना ख्याल रखती है, हमें समय पर भोजन और पानी देती है, हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। तुमने देखा है, अनुराधा की सास हमें पसंद नहीं करती है, पर अनुराधा फिर भी हमारे लिए कितने ताने सुनती है। तुम सही कह रहे हो पेड़ भाई, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अनुराधा को पैसों की कमी ना रहे। और मेरे दिमाग में तो एक ही सुझाव आ रहा है कि ये सब किसी सब्जी के पेड़ से ही संभव हो सकता है। अनुराधा ने कुछ दिन पहले ही बैंगन का पेड़ लगाया है। क्यों बैंगन भाई, क्या तुम कल तक अपने पेड़ से जादुई बैंगन उगा सकते हो? असंभव है, यदि तुम सब पेड़ अपनी अपनी ऊर्जा मुझे दे देते हो तो मैं कल सुबह तक जादुई बैंगन उगा सकता हूँ। बैंगन का पेड़ सही कह रहा है, एकता में बहुत बल होता है, हम सब पेड़ मिलकर बैंगन के पेड़ पर जादुई बैंगन उगा देंगे। और फिर सभी पेड़ मिलकर बैंगन के पेड़ को अपनी ऊर्जा देते हैं और सुबह तक बैंगन के पेड़ पर ढेरों बैंगन उगाते हैं। अनुराधा जब पेड़ों में पानी डालने के लिए आती है तो बैंगन के पेड़ पर बैंगन देख बहुत खुश होती है। अरे, ये बैंगन का पेड़ तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही लाई थी, इस पर तो बहुत ताजे और बढ़िया बैंगन उगाए हैं। आज तो मैं बैंगन का भरता बनाकर माँ जी को खिलाऊंगी। लगता है आज तो मेरे सभी पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, सभी पर फूल खिले हुए हैं। अनुराधा बैंगन तोड़ देती है और उसका भरता बनाकर खाने में परोसती है। सास और रमेश उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अनुराधा, बैंगन का भरता तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, ऐसा इसमें क्या डाला है? अरे, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, ये बैंगन तो मेरे लगाए बैंगन के पेड़ के हैं। दो बैंगन क्या पेड़ पर उगाए, मारे खुशी के बावली हो रही है। एक ही बार फल होता है साल में, अब अगले साल ही उगेंगे, इतनी खुश मत हो। दो या चार बैंगन उग भी आए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अनुराधा चुपचाप रसोई में चली जाती है। पर अगले दिन अनुराधा देखती है कि बैंगन के पेड़ पर पिछले दिन से भी अधिक बैंगन लगे हुए थे। वो ये देखकर हैरान रह जाती है। ये तो कोई जादू है, बैंगन का पेड़ ढेरों बैंगन से लदा हुआ है, अब मैं इतने बैंगन का क्या करूंगी। एक काम करती हूँ, कुछ बैंगन जरूरतमंद और गरीबों में बांट देती हूँ। अरे, सारे बैंगन इन गरीबों और भिखारियों में ही बांट देगी क्या? माँ जी, बैंगन के पेड़ पर बहुत सारे बैंगन उगे हुए थे, खराब हो जाए इससे अच्छा मैंने सोचा इनके काम आ जाएंगे। पर जादुई बैंगन के पेड़ पर बैंगन तो रोज ही लगने वाले थे। इस बात से अनुराधा बिल्कुल अनजान थी, वो तो निस्वार्थ भावना से गरीबों को बैंगन बांट रही थी।
पर फिर भी बैंगन के पेड़ से बैंगन कम ही नहीं होते थे। अनुराधा ने धीरे धीरे बैंगन बेचने शुरू कर दिए, जिससे उसकी कमाई होने लगी। आज अनुराधा कितनी खुश है। बिल्कुल भाई, ये सब तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है। अगर तुम अपने पेड़ पर जादुई बैंगन ना उगाते तो ये सब नहीं हो पाता। मैंने अकेले ये सब नहीं किया, तुम सब पेड़ों ने भी मुझे अपनी ऊर्जा शक्तियाँ प्रदान की थी। सभी पेड़ आपस में बातें करने लगे। अनुराधा की कमाई होती देख उसकी सास और रमेश भी खुश दिखे। अब अनुराधा ने जादुई बैंगन बेचकर धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए और बैंगन का अच्छा व्यापार कर लिया। अनुराधा ने रमेश और अपनी सास के साथ मिलकर अपना घर भी बना लिया। अब उसे पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपने पेड़ों से प्रेम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो आज भी अपने पेड़ों की बहुत देखभाल करती थी। अब उसकी सास भी पेड़ों को लगाना पसंद करती थी। बैंगन का पेड़ हमेशा जादुई बैंगन से लदा रहता था। सभी पेड़ अनुराधा की सफलता देखकर मुस्कुरा रहे थे।